The student plots VI graphs for three samples of uniform wire with resistances. For three samples of uniform wire with resistances R1, R2, and R3. With resistances R1, R2, and R3, this can choose from the following statement that holds true for this graph. Choose from the following statements that holds true on this graph. ग्राफ देखा नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी बी और सी तो सेम दे रखा है। ऑप्शंस में देख लीजिए, बी और सी तो सेम ना, ठीक है सर। सी हां, बी और सी सेम, बी और सी सेम ना। हां डी आंसर, हां वही लग रहा है कि आंसर डी है इसका, ठीक है। क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो इक्वल तो वो है नहीं ग्राफ देखकर, ग्राफ किस बनाऊंगा, और बी और सी ये दोनों में फिर अगेन कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि ये वाले तो कई बार नंबर दे देते हैं दोनों ऑप्शन के, दोनों पर दे देते हैं। चलो ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूं किस तरह से करना है। x एक्सिस पर दे रखा है V वोल्टेज, y एक्सिस पर दे रखा है करंट। चलिए जी, अब देख लीजिएगा इसको करना किस तरीके से है। हमको ना वोल्टेज में और करंट के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो रेसिस्टेंस R1, R2, R3, ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ये वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन है। इसका मतलब R1 अगर सबसे ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, देखिएगा ये वाली जो वोल्टेज की वैल्यू हो गई इसको बोलेंगे V1, और करंट की इस वैल्यू को हम बोलेंगे I1, ठीक है। उसके बाद R2 पर आ जाइए, ये जो वैल्यू है इसको बोलेंगे V2, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो वोल्टेज है V2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो करंट है दैट इज I2, V3, और Y3, ठीक है। तो हम ये कहेंगे Y ohms law Y ohms law
R is equal to V upon I, R is equal to V upon I. अब रेजिस्टेंस बड़ा कौन सा होगा, ये जो पूरा रेशो है जिसके लिए इस रेशो की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, रेशो की वैल्यू सबसे बड़ी किसके लिए होगी, इन न्यूमरेटर तो बड़े से बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटे से छोटा हो, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, न्यूमरेटर तो बड़े से बड़ा किस में आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर में वोल्टेज आ गई तो सबसे बड़ा वोल्टेज किस में आ रहा है, ये जो एक्सेंट है ना, ये 3 पर ही आता है, पहले भी अभी 2 क्लास पहले भी इसने कुछ घुमा दिया था टंग को, टंग ट्विस्टर। देखो थोड़ा इधर ध्यान दो, हाँ तो ये जो रेजिस्टेंस है R3, ये हो जाएगा V3 upon I3। अरे इधर सुन दो, V3 तो सबसे, अभी तुम्हें बोल लो, वोल्टेज तो सबसे बड़ा ये है और करंट ये, वोल्टेज तो सबसे बड़ा ये है और करंट सबसे छोटा है ये इस केस में, तो इसका मतलब R3 जो है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। R3 is greatest. अच्छा ये वैल्यू बीच की है तो सबसे छोटा वाला देखो क्या है कि वोल्टेज सबसे छोटा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा और डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, वो वैल्यू सबसे छोटी होगी, तो R1 is smallest। तो नहीं सही कह रहे हो आप, या तो B और C दोनों ही है, R3 सबसे बड़ा, R2 उससे छोटा और R1 सबसे छोटा, ठीक है। तो B या C दोनों में से कोई भी टिक करो, दोनों सही। सर अगर ये नीचे से 2 1 और 3 हो तो जो सबसे नीचे लिखा हुआ होगा ना, ये जिसका स्लोप सबसे नीचे होगा वो सबसे ही है, 2 1 3 दे रखा है सर हमारे सेट में, 2 1 और 3 हां बस बस बस, तो ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा और ये सबसे ही छोटा, ये बीच में, हां 2 1 3 हम देख लें सर। R1 फिर आपने स्पॉइलर शो आप में डाल दिया भाई, तो बेटा यहाँ पर R1 smallest तो है, देखो वोल्टेज सबसे कम R1 के लिए और करंट सबसे ज़्यादा, तो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा और न्यूमरेटर कम तो वो वैल्यू तो बहुत ही कम हो जाएगी ना। चलिए जी, तो इसमें B और C दोनों ही ऑप्शन होंगे इस डायग्राम के हिसाब से। उसके बाद आ जाइए, कौन सा टेंथ पूछ रहे हैं आप ना, टेंथ का सिर्फ बी पार्ट। एक क्वेश्चन और देखिएगा, given three samples A, B and C with resistivity. Given how much samples? Three samples. Why?
ठीक है जी, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ दैम इज सूटेबल फॉर हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड वायर। तो जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है वही सूटेबल होगा। अब रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है? तो ये 1.6, इसको रो वन बोल दीजिए, 1.6 इंटू 10^-5 मोर मीटर। ठीक है, और अब इसे एक काम करेंगे, जैसे ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को अगर हटा देते हैं ये नीचे टर्न आ गया, तो ये मेरे पास हो गया 16 × 10^-6 ओम मीटर। अब कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि इधर दो डिजिट का नंबर ले लो और इधर 10^ ले लो, तो ना कंपैरिजन में आसानी रहेगी। ठीक, उसके बाद दीजिए रो टू कितना, 5.2 × 10^-5 ओम मीटर। तो यहाँ से भी पॉइंट लिया, नीचे टर्न आया, तो हो गया 52 × 10^-6 ओम मीटर। तो ये रो टू हो गया। रो थ्री की बात करते हैं तो 100 × 10^-4, तो 100 × 10^-4 ओम मीटर। तो जो ये 100 है इसको 10 × 10^-4 ओम मीटर। मैं दो डिजिट का नंबर रखना चाह रहा हूँ ना, तो 10 × 10^-3 ओम मीटर। तो यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ तो 10^-3 हो गया, ठीक है, और इधर 10^-6 10^-6, तो इन दोनों को तो हटा ही दो, इन दोनों को हटा दो। हमसे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ देम इज सूटेबल फॉर हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो कौन सा सूटेबल है? तो जिसकी ये नेगेटिव पावर सबसे कम होगी उसी की रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी ना। तो इसका मतलब बहुत ही, ये जो थर्ड वायर है, थर्ड वायर यूज़ करा जाएगा सी वायर से। ठीक है, चलिए जी। और तुम्हारा कौन सा, तुम्हारा मैथ्स का साइंस का?